नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बड़ी खबर औरंगाबाद से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भाजपा के कैंडिडेट दिलीप कुमार सिंह की 279 वोटों से जीत हुई है। तो बड़ी ये खुशी की खबर है एनडीए के लिए, क्योंकि यहां पर जो अकाटी की टक्कर है वो बीजेपी और आरजेडी के बीच देखने को मिल रही थी, लेकिन एमएलसी चुनाव में धीरे धीरे करके जो नतीजे हैं वो एक एक करके हर एक जिले से सामने आ रहे हैं। यहाँ पर औरंगाबाद सीट की अगर हम बात करें, तो इस वक्त औरंगाबाद से बीजेपी के कैंडिडेट दिलीप कुमार सिंह की जीत हुई है। 279 वोटों से ये जीत हासिल की है बीजेपी कैंडिडेट ने। वहीं अगर हम आरजेडी के कैंडिडेट की बात करें अनुज कुमार सिंह की, तो 1515 वोट उन्हें हासिल हुए थे, लेकिन दिलीप कुमार सिंह को 1794 वोट मिले। ऐसे में 279 वोटों से ये बड़ी जो जीत है वो बीजेपी के कैंडिडेट दिलीप कुमार सिंह को हासिल हुई है। एमएलसी चुनाव अगर हम बात करें तो ये चुनाव एक युद्ध का मैदान बन चुका है। एक तरफ बीजेपी के कैंडिडेट है तो एक तरफ वहीं आरजेडी के कैंडिडेट है। आरजेडी ने इस बार 24 में से ज्यादा सीट पर जीत के दावे उनकी तरफ से किए गए थे, लेकिन जो चुनावी परिणाम सामने आ रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं आरजेडी शिकस्त खाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और जेडीयू के जो प्रत्याशी है वो सबसे आगे चल रहे हैं। ऐसे में औरंगाबाद सीट की अगर हम बात करें तो औरंगाबाद से भी बीजेपी के कैंडिडेट दिलीप कुमार सिंह 279 वोटों से जीत गए हैं। बड़ी खबर है ये एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई, जो औरंगाबाद से सामने आ रही है। ऐसे में अगर हम औरंगाबाद सीट की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव में हमने वो तस्वीरें देखी कि किस तरह से आरजेडी के खाते में औरंगाबाद की तमाम सीटें आई थी, लेकिन एमएलसी चुनाव में सब कुछ उल्टा पड़ चुका है। तेजस्वी यादव के लिए ये सोचने वाली बात होगी कि आखिर विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये जो घाटा है वो तेजस्वी यादव को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आरजेडी के कैंडिडेट को लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव निश्चिंत थे। उन्हें लग रहा था कि ये सीट आरजेडी के खाते में ही आएगी, लेकिन बीजेपी का जीत जाना कई तरह के सवाल भी उठा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो जीत तेजस्वी यादव की हुई थी, लेकिन बीजेपी का एमएलसी चुनाव में जीत जाना कई सारे मायने निकाल रहा है और सोचने वाली बात होगी तेजस्वी यादव के लिए। कुछ ना कुछ कमी जरूर रही होगी, आखिर इस तरह से चुनावी नतीजे क्यों सामने आए हैं, ये एक बड़ी बात है जिसे लेकर अब तेजस्वी यादव की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में औरंगाबाद से बीजेपी के कैंडिडेट दिलीप कुमार सिंह की 279 वोटों से जीत हुई है। वहीं अगर हम कुल वोटों की बात करें तो कुल मिलाकर यहाँ पे औरंगाबाद की सीट पर अगर हम दिलीप कुमार सिंह की बात करें तो 1794 वोट उन्हें मिले थे। वहीं आरजेडी के कैंडिडेट अनुज कुमार सिंह को 1515 वोट से मिल पाए थे, जिस कारण 279 वोटों से दिलीप कुमार सिंह की ये बड़ी जीत हासिल हुई है। ऐसे में अब आगे भी चुनावी नतीजे क्या होंगे, किस सीट से कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किस सीट से किसकी जीत होती है, ये तमाम अपडेट हम आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वक्त औरंगाबाद से सामने आ रही है, जहां पर भाजपा के कैंडिडेट दिलीप कुमार सिंह की ये बड़ी जीत हुई है। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।